Welcome to BSc Life Classes, official YouTube channel of BSc Academy Guwahati. Today we are going to discuss a beautiful trick that is called butterfly tricks. This is something unique. ये बहुत ही unique और सबसे modern approach है. Fraction value को किस तरह से आप quickly orally भी solve कर सकते हैं. ठीक है? तो आपसे request है कि video को starting से लेकर end तक देखें. एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क भी दूंगा ताकि आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में पिन करके आंसर बता पाए. चलिए तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बटरफ्लाई ट्रिक्स. आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या है. ये एक नया अप्रोच है जिससे आप बहुत ही कम समय में फ्रैक्शन वैल्यू को आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए ध्यान से देखिए इस ट्रिक्स को. This is 2 and this is 4. That is 4 into 2 is 8. Multiply kiya maine. 2 into 4 is 8. Again this one. 3 into 3 is 9. Ye ho gaya na butterfly. Dekhiye, thoda sa main erase kar de raha hu. 3 into 3 is 9. Now this will be here. And this will be here. That means you have to add these two value. That is 8 plus 9 is how much? That is 17. 8 plus 9 is 17. And these two you have to multiply. That is 3 into 2 is 3 into 4 is sorry 12. That means 17 by 12 is the right answer. Okay, 17 by 12 is the right answer. Chaliye, let's move to the second question. Second question. एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे. अगर जिसको फर्स्ट क्वेश्चन में समझ नहीं आया हो तो वो सेकंड क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लें. सबसे पहले क्या करना है, 4 इंटू 3 करना है जस्ट लाइक दिस वन. 4 इंटू 3 इज 12. अगेन 2 इंटू 5 इज 10. ठीक है, दिस वन लाइक दिस वन एंड दिस वन लाइक दिस वन. इन दोनों को आपको ऐड करना है. दैट इज इफ यू ऐड बोथ द नंबर इट विल बी हाउ मच 22. और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. दैट इज 15. दैट मीन्स 22 बाई 15 इज द करेक्ट आंसर. अगर आप नॉर्मली एलसीएम लेके भी सॉल्व करेंगे आप चेक कर सकते हैं आंसर. आंसर विल बी 22 बाई 15 ओनली. दिस ट्रिक्स विल डेफिनेटली हेल्प यू वाइल सॉल्विंग सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन. जब भी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करें दोस्तों तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा इस ट्रिक से. चलिए नाउ दिस इज 7 एंड दिस इज 4. 7 4 जा 28. नाउ दिस इज 3 एंड दिस इज 2. दैट इज 3 2 जा 6. Now this is here is a butterfly. Now if we add these two, that means it becomes 28 plus 6 is 34. And we have to simply multiply this 2 into 4. That means it will become 8. It will become 8. Now we can convert this into short form. That means this is cancelled by 2 times. It becomes 17 and it becomes 4 times. That means answer will be 17 by 4 is the right answer. Okay, that is 17 by 4 is the correct answer. This is something you need. This is one of the modern approach so that if you apply these tricks then it will definitely save your time. Chale, ye question main as a homework de raha hu aapko. Solve karke iska answer jo hai aap comment box mein pin kijiyega. Theek hai, आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा दोस्तों. देन आई विल रिप्लाई कि ये सही है या गलत है. ठीक है, और अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग के बेलतोला में ऑफलाइन क्लासेस भी रन हो रही हैं. ये इस वीडियो के एंड में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन में आप जाके इन्फॉर्मेशन को रीड करके और वहाँ पर कॉन्टेक्ट में जाके आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड के थ्रू जाके वहाँ पर एडमिशन्स भी एनरोल कर सकते हैं. और इसके बाद में IBPS क्लर्क जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए भी मैं कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में टॉप 10 वर्ड प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं वो भी मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ. ठीक है, तो वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम लाइक और शेयर कीजिए और दोस्तों में भी बताइए कि यहाँ पे बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिक आपको नॉलेज मिल रहा है. चलिए बाय एवरीवन, थैंक यू.